भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दो दिवसीय दौरा खत्म करने के बाद वो यूक्रेन पहुंचे। पोलैंड से यूक्रेन तक पीएम मोदी ने ट्रेन के जरिए सफर तय की। 30 सालों बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर गया। पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचते ही उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ, और वो भी क्यों ना, 30 सालों बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर जो आया है। स्वागत के बाद पीएम मोदी ने जेलेंस्की को गले मिला, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पीएम मोदी ने कुछ हफ्तों पहले रूस दौरे के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाया था और जेलेंस्की ने इस पर नाराजगी जताई थी। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच कई अहम मुद्दों पर वार्ता के बाद भारत और यूक्रेन के बीच चार बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। यूक्रेन पहुंचते ही सबसे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी का कीव में अपने आधिकारिक निवास मिरंस्की पैलेस में शानदार स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं में काफी देर तक बातचीत चली। इस बातचीत के बाद चार बड़े समझौतों पर मुहर लगाई गई। भारत और यूक्रेन के बीच कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता में सहयोग के लिए कुल चार समझौते हुए। इससे पहले ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी थी। ये समझौता कृषि और खाद्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान करता है। अब हम आगे बताएंगे कि रूस और यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने जेलेंस्की से क्या कहा। दरअसल पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा कि भारत शांति का देवदूत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसी परिस्थिति में मुझे यूक्रेन आना पड़ेगा। जेलेंस्की, हम लंबे समय से एक बात सुनते हैं, युद्ध की सबसे पहली कैजुअल्टी ट्रूथ होगा, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था, तो मेरा मन भर रहा था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली ग्रेजुएट किसकी होती है, तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक किसी भी सुसंस्कृत समाज जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती है। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता। एथेंस भी इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी आपने जिस गर्म जोश से मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपको आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आ रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। कल आपका नेशनल डे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपके नेशनल डे अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। ऐसे जी 2021 में ग्लासगो में मिले थे, और पहली ही मुलाकात में एक गहरी मित्रता का अनुभव, और तब आपने मुझे यूक्रेन आने के लिए बहुत ही आग्रह से निमंत्रण दिया था। लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मुझे
ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन हारे की नौबत आएगी। एक्सेलेंसी, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में ऐसी विपरीत कालखंड में भी प्रगति हो रही है और मैं कह सकता हूं कि ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में ये प्रगति हम दोनों देशों की मैच्योरिटी को प्रतिबिंबित करती है। एक्सीलेंसी, मैं आज बड़े आदर पूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहां शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो युद्ध के कारण फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किए। बता दें कि पीएम मोदी पोलैंड से यूक्रेन एक विशेष ट्रेन के जरिए गए। इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स वन ट्रेन है। इस रेल फोर्स वन ट्रेन से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी समेत कई नेता यात्रा कर चुके हैं। पीएम मोदी का ये दौरा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कितना कारगर होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।